तो यहाँ पे हम ये सम सॉल्व करेंगे, इसमें भी एलसीएम ले जाना है, आगे के जैसा ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस टू, जो नहीं है उसके अलावा का सब लिख देना है, यानी कि हम लिखेंगे 2x एंड x प्लस 3। आप 2x यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा, ये मैंने ऑर्डर वाइज लिखा ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो। फिर यहाँ पे वन वन इसीलिए नहीं लिख रहे, वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, वही आंसर आता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इंटू ब्रैकेट x माइनस टू इज इक्वल टू 7। अभी यहाँ पे 2x ये दोनों नहीं है तो ये दोनों लिखेंगे x माइनस टू एक्स प्लस 3। अभी 2x इंटू एक्स 2x2, 2x इंटू 3 6x, यहाँ पे हो जाएगा 2x2, यहाँ पे हो जाएगा -4x, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 2 -14 एक्स प्लस 3। अभी यहाँ पे 2x2 2x2 4x2 प्लस 2x प्लस 6x माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 7x इंटू एक्स 7x2, 7x इंटू 3 21x, -14 इंटू एक्स -14x, -14 इंटू 3 -42। यहाँ पे ये हो जाएगा 4x2 -7x2 प्लस 2x -21x -14x, सॉरी +14x बिकॉज साइन अपोजिट करना है, +42 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x2, यहाँ पे +2x एज इट इज रख रहा हूँ मैं, ये -21 +14, सो दिस इज 7 -7x +42 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे -3x2, अभी ये जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा -5x +42 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करो तो चाहिए 42 थ्री ज़ा 3, 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12, सो -126 चाहिए, प्लस करो तो -5 चाहिए। अभी 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा। अभी इसमें से ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो इस तरह से हमें पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पे हम रेंडमली कोई भी लेते हैं तो ये 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 7 11 हो जाएगा, नो हम ये दोनों ले ले 9 एंड 14, यस 9 एंड 14, सो यहाँ पे 14 9 14 9, और ये बिगर नंबर को मैं माइनस दे रहा हूँ तो ये -5 हो जाएगा माइनस। सो मैंने टर्म्स को स्प्लिट कर दिया, मुझे मिल गया -14 प्लस 9, सो यहाँ पे -3x2 -14x प्लस 9x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे -x, तो ये हो जाएगा x प्लस, बिकॉज माइनस कॉमन ले लिया है, 14, और यहाँ पे 3 तो रहेगा ही, सो 3x प्लस 14, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 3, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अभी -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -x इज इक्वल टू -3x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -14 अपॉन 3, इसके रूट जो है वो है 3 एंड -14 अपॉन 3। सो आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू।